हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्किन को क्लीन, क्लियर और स्पॉटलेस बनाने का सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि स्किन को क्लीन, क्लियर, स्पॉटलेस रखना है तो स्किन को एवरीडे टोनर यूज़ करना चाहिए। ऐसे तो मार्केट में काफ़ी सारे टोनर्स है, लेकिन आज मैं आपको DIY नेचुरल टोनर बनाना दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये नेचुरल टोनर अपना स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है, पोर्स के अंदर डस्ट को, टैन को रिमूव करके स्किन का पोर्स को क्लोज कर देता है, स्किन को स्मूथ स्पॉटलेस बना देता है। और आपके स्किन के ऊपर छोटे मोटे पिंपल दाने भी हैं तो उसको भी जेट से हटा देती है ये नेचुरल टोनर। सो चलिए इसको कैसे बनाना और कैसे यूज़ करना दिखा देती हूँ। और अभी तक आपने चैनल पहली बार देखने से सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड पर बेल सिंबल को भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। इस टोनर को आप 2 times अप्लाई करना है। एक कॉटन पैड लीजिए, फेस को क्लीनली वॉश करने के बाद इस टोनर को 2 to 3 drops लीजिए कॉटन पैड में और पूरा फेस को वाइप आउट कीजिए। इससे स्किन पे सारे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और स्किन भी स्पॉटलेस और इवन होगा। ऐसा सुबह उठते ही मॉर्निंग और रात को सोने के पहले इसे अप्लाई करें। इसके बाद आप चाहे तो एक गुड मॉइस्चराइजर भी फेस को अप्लाई कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से स्किन स्मूथ होगा और सॉफ्ट भी होगा। बिफोर स्किन केयर ए स्टेप को फॉलो कीजिए, इससे नेचुरली स्किन स्पॉटलेस होगा, टाइटन होगा, पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे। इस टोनर बनाने के लिए एक बॉल में लेना है एलोवेरा जेल। आप इसके लिए आप रेडीमेड एलोवेरा जेल लीजिए। मैं यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल 2 चम्मच ले रही हूँ। टोनर बनाने के लिए आप रेडीमेड एलोवेरा जेल लीजिए। लेने से ये टोनर का सेल्फ लाइफ टाइम ज़्यादा दिन रहता है। और इसके अंदर हमें ऐड करना है 1/2 cup रोज़ वाटर। इसके अंदर 1/2 cup रोज़ वाटर ऐड करके मिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये टोनर DIY टोनर हॉल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसे स्किन स्पॉटलेस रहेगा और रोज़ वाटर अपने स्किन को क्लेंस करता है और पोर्स को भी मिनिमाइज करता है और स्किन को ग्लोइंग बना देता है। तो इसलिए रोज़ वाटर हर दिन यूज़ करना चाहिए चेहरे के ऊपर। एज अ DIY यूज़ करने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका स्किन भी यंगर दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा हमेशा के लिए। इसके बाद इसके अंदर हमें ऐड करना है नींबू का रस, 1/2 cup नींबू का रस ऐड करना है। ये DIY टोनर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इससे आप फेस क्लीन करोगे ना, इससे आपका स्किन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगे और स्किन भी क्लीन रहेगा। इसमें नींबू का रस ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप मिनरल वाटर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आप इसमें जितना क्वांटिटी रोज़ वाटर ले रहे हो उतना क्वांटिटी मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर ऐड कीजिए। ऐड करके मिक्स कीजिए। अब बन चुका है आपका नेचुरल DIY टोनर। इसमें रोज़ वाटर, मिनरल वाटर और एलोवेरा जेल और 1/2 cup नींबू का रस ऐड कर चुकी हूँ। आप चाहिए तो इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर सकती हो, क्योंकि सम पीपल, थोड़े लोगों को ग्लिसरीन सूट नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड नहीं की थी। तो अगर आपको ग्लिसरीन स्किन को सूट होता है तो आप ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब ये टोनर बन चुका है। इस टोनर को आप एक स्प्रे बॉटल में डाल के एम्प्टी कंटेनर में डाल के स्टोर कीजिए और इसका सेल्फ लाइफ टाइम आपको 15 डेज तक रहेगा। आप हर दिन सुबह उठते ही कॉटन पैड से इस सॉल्यूशन से फेस को क्लीन कीजिए। चेहरे क्लीन होगा, धूल मिट्टी टैन भी रिमूव होगा, एक टैन फ्री रहेगा इससे और स्किन भी स्पॉटलेस और एंगर रहेगा। सो जरूर इस DIY टोनर को आप लोग यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये है DIY टोनर। इसको आप हर दिन सुबह और रात को सोने के पहले चेहरा साफ कीजिए। इससे स्किन स्पॉटलेस और एंगर हो जाएगा और स्किन पे पोर्स भी मिनिमाइज होगा, स्किन के एजिंग को भी ये स्लो डाउन करता है टोनर। सो जरूर इसे ट्राई करें और आपका फीडबैक को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप लोग को कमेंट करके उसके आंसर में जरूर देती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं।